और जो ये आप लोगों को आपका हक एक ब्यूटीफुल गिफ्ट रैप में होके वुमेन्स डे से पहले मिल रहा है, जो हमें मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। क्योंकि आपने अगर पहल नहीं की होती तो शायद किसी ने कोई आपको देने वाला भी नहीं होता। तो जो आपकी जरूरत है आपने उसको अपने मन से खुले तौर पे सामने में रखा और आपकी भावनाओं को, आपकी जरूरत को लोगों ने समझा, और ये समझ के, ये जान के बहुत खुशी हो रही है कि पढ़ी लिखी महिलाएं अपना हक लेना भी जानती है और दिलवाना भी जानती है। और आप लोगों के लिए भी कि हम लोगों को सहने के लिए 365 दिन दो गुना सहने के लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी सहन शक्ति भी बहुत कमाल की है, जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। इसमें मेरा ये कहना है कि हमारा जो समाज है, हम लोगों को हमेशा बोला जाता है दो पहियों पे चलता है, एक पुरुष और एक महिला, और शायद इस तरीके की पंक्तियां आपको कल बहुत सुनने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि कल महिला दिवस है, और बहुत लोग आपको शुभकामनाएं भी देंगे, आभार करेंगे, और ये भी बोलेंगे कि नहीं, आप बहुत मजबूत स्तंभ हैं इस समाज के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बोलते बोलते ये जो शब्द हैं, ये क्यों कुछ चिन्हित कार्यक्रमों या किस कुछ चिन्हित दिवस के लिए ही चुने जाते हैं, ये किस लिए नहीं हर दिन बोले जाते हैं? हम महिलाओं को समाज से कुछ ज्यादा नहीं चाहिए होता है, थोड़ा सा स्नेह, इज्जत और सम्मान चाहिए होता है, और उसके बाद हम अपने परिवार के साथ भी पूरे समाज में हमारा जो कर्तव्य बनता है उसको पूरा करने के लिए डट के खड़े हो जाते हैं। और माताएं, बहनें इस सृष्टि की जननी है, अगर आप लोग देखें, बुरा मत मानिएगा आप लोग, मेरा भी बेटा है, दो बेटे हैं, उसकी जननी मैं, हम दो बहनें हैं, उसकी जननी मां, तो हमसे ही संसार बढ़ा है। इसमें ये चीज हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप कमजोर कभी नहीं है। जितनी विपत्तियां आए, जितनी भी तकलीफें आए, आपके पारिवारिक क्षेत्र में हो, आपके कार्य के क्षेत्र में हो, या कहीं पे भी हो, आपको आत्मविश्वास कभी कम नहीं करना है। क्योंकि जिस तरीके की समस्या अभी मेरे साथ चल रही है, वो होना हो हर महिला की जिंदगी में अलग अलग रूप में, अलग अलग तरीके से चलती है। इस समाज में हमको रहना है तो हम लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, और इसके लिए आपका खुद पर विश्वास होना, खुद पर विश्वास होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपके लिए लड़ने कोई नहीं आएगा, अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी है, अपना जगह आपको खुद बनाना है। और जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि गर्भ में एक बच्चा आता है, 9 महीने का लालन पालन, प्यार, पोषण, बहुत चीज की चिंताएं होती हैं, आपके साथ भी, आपके घर वालों की भी चिंता होती है। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं ये करो, ये मत करो, बहुत उत्साह का माहौल रहता है जब घर में किलकारी बुझने की खुशखबरी आती है।
तो हम महिलाओं के साथ हम लोग अपने परिवार के लिए त्याग, ममता, क्षमा, मर्यादा, धैर्य, ये अंदर में कहीं ना कहीं हमारे छुपी ही हुई है। हम ममतामयी बन जाते हैं, आप जैसे जानते ही हैं। कोई छेड़ेगा तो छोड़ते नहीं है, कभी काली का रूप बन जाते हैं तो कभी एकदम ममतामयी रूप हो करके अपने बच्चे को भी नहीं, किसी और के बच्चे के लिए भी वही एक दुलार, वही एक अपनापन हमेशा जागता है। तो अपने आप को कमजोर कभी मत समझिएगा, ये पहली और आखिरी ये बात है जो मैंने अपनी माँ से भी सीखी है और अपनी सासू माँ से भी सीखी है। मेरी माँ का संघर्ष अलग है, मेरी सासू माँ का संघर्ष अलग है, और दोनों को जब मैंने एक साथ करके जोड़ा तो आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरा संघर्ष भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है, और आने वाले समय में आपके सामने अलग अलग तरीके की चुनौतियां भी आएंगी और उसका डट करके सामना करना है, वो कुछ भी हो सकता है। तो घबराना नहीं है, आत्मविश्वास 100% के ऊपर, कमजोर पड़िए हक बनता है, लेकिन कमजोर बन करके वहां रुक मत जाइएगा, एक कदम हमेशा जरूर आगे बढ़ाइएगा कि किस तरीके से ये तकलीफ हो ना हो, आप बाहर निकलिए, आपको अपनी तकलीफ दूसरों से कम नजर आएगी। हम बंद कमरे में रहेंगे, कुछ तकलीफ है, ये लगता है कि दुनिया की सारी तकलीफ मेरे सर पे फूट गई, सब दुखी हो गए, मुझे भी ये महसूस हुआ पिछले एक महीने में। लेकिन जब मैं बाहर में गई, लोगों के साथ मिली, तब मुझे ये महसूस हुआ कि ये दर्द अकेला मेरा नहीं है, ये दर्द पूरे उन झारखंड वासियों का है जो आपके हेमंत दादा को, दादा, बेटा, भैया, इस प्यार से उन्हें बुलाते थे, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री करके नहीं बुलाते थे। तो वो जो दादा है वो आपके दिल में बसते हैं, वो मुझे देख करके इतना ऊर्जा मिला कि मैं घर में बैठ के रो क्यों रही थी, मैं क्यों उदास क्यों हो गई थी। इनको चाहने वाले अकेले हम कहाँ हैं, पूरे झारखंड वासी हैं, और जिसके लिए ये लोग लड़ाई, धूप हो, बरसात हो, कुछ भी हो, दूर दराज से आज आप इस कार्यक्रम के लिए दूर दराज से आए हैं, लास्ट मिनट पे बताया गया है, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार करती हूँ कि आप अंतिम क्षण के भी मैं भी एकदम दौड़े भागे आए सिर्फ ये देखने के लिए, मेरा साथ देने के लिए कि कल्पना जी कैसी होंगी। तो आप गार्गी भी बन सकती हैं, आप फूलो झानो भी बन सकती हैं, आप कल्पना चावला भी बन सकती हैं, और आप कल्पना सोरेन भी बन सकती हैं। तो अपना अस्तित्व कभी मत भूलिएगा, आप जननी हैं, जननी जन्मभूमि, क्योंकि इस धरती को भी माँ का रूप दिया गया है, तो इस माँ का रूप सृजन करने के लिए है, बढ़ावा करने के लिए है, प्रगति करने के लिए है। और जितनी भी माताएं बहनें सब आई हैं, आप लोगों को कोटि कोटि प्रणाम, और बहुत मुझे खुशी हो रही है कि ये सौभाग्य झारखंड सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत जी और वर्तमान चंपई चाचा जी के द्वारा आप लोगों को मिला, और बहुत हर्ष हो रहा है कि इसको साझा आप लोग करने के लिए मेरे पास आए, जिसके लिए मैं और सबसे ज्यादा ये कि सरकारी व्यवस्था में तो चलिए आप लोगों को ये मिल गया, जैसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं, तो मेरे बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, आप जैसे सुविधा उन लोगों को नहीं मिल पाई है। और जिस तरीके की सोच यहाँ झारखंड सरकार ने आप महिलाओं के लिए, हम लोगों के लिए, सबके लिए निकाला है, एक चर्चा का विषय जरूर होना चाहिए कि महिलाएं
सिर्फ सरकारी महिलाएं के लिए होना चाहिए कि दूसरों के लिए भी होना चाहिए? काम तो सब कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा सोचा जाए और थोड़ा ये भी किया जाए कि सब की लड़ाई अपनी है, लेकिन मिल के लड़िएगा तो जल्दी मिलेगा, अकेले लड़िएगा तो थोड़ा कष्ट ज्यादा करना पड़ेगा। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना सुंदर मुझे सब लोगों के साथ यहाँ मिलने का मौका मिला। और आप लोग निराश नहीं होइएगा, मैं अभी यहाँ हूँ और हमेशा रहूंगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की कुछ भी शिकायत रहेगी तो आपके लिए दरवाजे खुले हैं। धन्यवाद।